गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील में स्वयंभू गोरक्षकों के उत्पीड़न के शिकार एक दलित परिवार ने मोता समधियाला गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में रविवार को बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कार्यक्रम के आयोजक ने दावा किया कि इसमें 450 दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सौराष्ट्र क्षेत्र के आयोजित इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा दलित लोगों ने हिस्सा लिया। जुलाई 2016 में ऊना में मृत गाय की खाल निकालने को लेकर स्वयंभू गौरक्षकों ने 7 दलितों की कथित तौर पर पिटाई की थी। इस मामले के पीड़ित बालू भाई सरविया और उनके बेटे रमेश और वर्फराम के अलावा उनकी पत्नी कंवर सरविया ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। धर्म का हजारों वर्ष से पालन करते हैं, लेकिन हमको हिंदू मानने में नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते हैं और हमारे साथ छुआछूत करते हैं, भेदभाव रखते हैं, और जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो उसमें साथ में बर्तन लेकर जाना पड़ता है। इसलिए हम बौद्ध धर्म स्वीकार करने का फैसला किया। आज धम्म दीक्षा लेने का वजह यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो राह दिखाई थी बौद्ध धम्म दीक्षा की, और ऊना कांड का जो घटना हुई थी उसके चलते आज तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला, और हमें जब हिंदू माना ही नहीं जाता, हम पे दिन ब दिन हमारे समाज पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो फिर हमने ये फैसला लिया कि जब हमें कोई हिंदू मानते ही नहीं, हमें ना ही मंदिरों में घुसने देते, हमारे साथ छू अछूत का व्यवहार होता है, तो उस धर्म में क्यों रहना जिस धर्म में हमें छू अछूत ना मंदिर में जाने दिया जाता है, हम पे दिन ब दिन अत्याचार बढ़ता है।